हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, प्रभास किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं देखिए आप लोगों के लेके आई हूँ ब्रेड का हलवा, रवे का हलवा और मूंग की दाल का हलवा। हलवा तो बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग सा बनाते हैं, जो कि अगर कोई हमारे घर में मेहमान आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ उनको अलग सा बना के खिलाएं, ताकि उनको भी लगे कि मैं उनके घर गया था और इतनी अच्छी चीजें खा के आया था। इसलिए मैंने आज सोचा और चलो, हमने कहा चलिए एक ट्राई करते हैं, ब्रेड का हलवा बनाते हैं कैसा लगता है। वैसे खाने में बहुत अच्छा लगता है ये, बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ब्रेड का हलवा बनाने का तरीका। ब्रेड का हलवा बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। हमने ये ब्रेड ले लिया है 4-5, और मैंने ये ऊपर का ब्रेड लिया है जो कि अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसी को लेके आज मैं हलवा बनाती हूँ, ताकि ये काम में आ जाए। तो ये कोई मेरे यहाँ मेहमान आ जाए तो लगता है कि क्या कुछ मीठा खिला दे उनको जल्दी और एकदम अलग सा खिला दे। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग सा बना देते हैं। रवा का हलवा तो सभी लोग बनाते हैं और ये मुश्किल से 10 मिनट लगता है बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए हम और बताते हैं क्या क्या चाहिए। मेन तो ब्रेड है, ये शक्कर हमने ले लिए थोड़ी सी, और ये मिल्क पाउडर है, ये ड्राई फ्रूट्स ले लिया है हमने, और ये मैंने गरी है घिस लिया हुआ है, और ये मैंने दूध लिया हुआ है, और ये कंडेंस मिल्क है थोड़ा सा लिया है, खोया थोड़ा सा ले लिया है, और ये इलायची पाउडर है थोड़ा सा, और ये घी मैंने एक कटोरी ली है, और ये मैंने केसर ले लिया है दूध में भिगो के। और ये तीन चीज़ें हैं जो मैं तीनों डाल रही हूँ कि मिल्क पाउडर और खोया और कंडेंस मिल्क। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको तीनों को डालिए, क्योंकि सबके पास ये चीज़ें नहीं रहती हैं। तो मेन चीज़ जो है हलवा बनाने का, आप ये ब्रेड है, शक्कर है, दूध है, ये ड्राई फ्रूट्स है, इलायची पाउडर और ये घी है, इतने से ही हलवा बन जाता है और फटाफट हलवा बनता है। तो इसको मैंने सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए तीनों चीज डाला। तीनों में अगर आपके पास एक भी चीज हो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप तीनों नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हलवा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेगा। ये देखिए मैंने गैस जला लिया है, गैस जला के मैंने ये कढ़ाही रख दिया। अब इसमें जो है हम घी डाल देंगे, घी हम गरम होने के लिए रखते हैं। घी देखिए हमारा गरम हो गया। अब इसमें ये जो हमने ब्रेड लिया है इसको तोड़ के थोड़े थोड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। बहुत बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, एकदम छोटे छोटे करने हैं। ये हमें सारे ब्रेड डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर अच्छे से। ब्रेड देखिए ब्राउन होने तक हमें सेकना है, इससे भी थोड़ा सा ब्राउन करना है, और मेरी ब्रेड तैयार हो गई है। तो उसके बाद इसमें हमें दूध डाल देना है। ये हमने दूध डाल दिया। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे और ये मिल्क पाउडर जो हमने लिया है इसको हम डाल देंगे इसमें, और गैस को एकदम धीमी कर देंगे। इस समय गैस एकदम धीमी होनी चाहिए। और इसमें हम ये कंडेंस मिल्क भी डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें खोया हम नहीं डालेंगे, ये खोया जरूरी नहीं है डालना, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और ऐसा नहीं है खोया डालने से खराब नहीं होगा, स्वाद बढ़ेगा ही इसमें। ये देखिए इसको हम अच्छे से इसको भुनेंगे। इसमें अब हम ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, थोड़ा से डाल देते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं ऊपर से सजाने के लिए। और ये जो मैंने गरी घिसा था इसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम ये केसर जो भिगो के रखे थे उसको डाल देंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये मैं इलायची पाउडर जो रखी थी
इसको भी डाल दूंगी। ये जो भी इस हलवे को खाएगा कोई बता नहीं सकता, अगर आप नहीं बताएंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है कोई भी नहीं जान सकता कि ये किस चीज़ से हलवा बना हुआ है। ये मेरा हलवा एकदम बन के तैयार हो गया है। बस मुश्किल से देखिए 10 मिनट भी नहीं लगा होगा ये हलवा तैयार करने में। इसलिए आपको मेहमान आए तो आप खिलाइए बना के, तुरंत पता ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ बना हुआ है। और बच्चों के टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मेरी भतीजियां हैं, मैंने बना के उनको खिलाया था, वो टिफिन में भी ले गई थी और उनको बहुत अच्छा लगा, उनके दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। इसलिए मुझे लगता है कि ये हलवा सबको पसंद आएगा, बड़ों को भी और छोटों को भी। तो चलिए देखिए ये मेरा हलवा बन के तैयार हो गया, एकदम स्वादिष्ट हलवा। देखिए मेरा हलवा तैयार हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं कटोरे में। ये देखिए मेरा हलवा बनके एकदम तैयार हो गया। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखा था उसको हम डाल देंगे नारी से। इसमें मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है, ये आपके पास है तो ही डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना सामान हमने डाला उतना आप डालिए। ये ही होता है कि जितना सामान डालते हैं उससे टेस्ट बढ़ता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है, तो लीजिए खाइए दोस्तों और अपने दोस्तों को खिलाइए। अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए तो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। गुड डे, थैंक यू।